मैं जो है बहुत समय से जो ईयरफोन्स है ना ब्लूटूथ वाले वो ढूंढ रही थी, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे जो रिव्यूज़ होते हैं फ्लिपकार्ट में अमेजोन में सब जगह देख डाले, एंड फाइनली आई गॉट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय सिस्टर दिस सिस्टर्स डे। आज का जो वीडियो है टॉपिक से हटकर है, बट आई एम श्योर कि हर किसी को लाइक म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ म्यूज़िक सुनते सुनते करना अच्छा लगता है। हर बार आप लाउड म्यूज़िक प्ले कर सको ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी कभी लाइक बहुत सारे लोग होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो अपने ओन प्राइवेसी में, अपने ओन लेवल पे, अपने बास लेवल पे अगर आपको सुनना है म्यूज़िक तो ईयरफोन्स मस्ट हो जाता है, और ईयरफोन्स अगर बिल्कुल वायरलेस होना तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि आपको अननेसेसरीली हर बार फ़ोन अपने साथ का कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वाइट लाइक बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपको म्यूज़िक सुनना या इसको इंजॉय करना, तो उसके लिए जो ईयरफोन्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम श्योर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट अगर आप बहुत अच्छा सा ब्लूटूथ वाला जो ईयरफोन्स है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो ढूंढ रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड अच्छा लगता हो तो गिव इट अ लाइक। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, डोंट वरी। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ बोल्ट ऑडियो का ईयरफोन्स, जो कि रियली में बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्राइस पे इस तरीके का ईयरफोन्स मिलना क्वाइट इम्पॉसिबल। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, और इसकी जो है बाकी की डिटेल्स जो इसके प्रोडक्ट का जो मैं अनबॉक्सिंग करूँगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसका प्रॉज एंड कॉन्स जो है वो भी आपको मैं बता दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने इसे 2 डेज जो है यूज़ कर लिया है। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं ये न्यूज पर्स। तो चलिए जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग बोल्ट ऑडियो एयरबस मूज बड्स की। तो बॉक्स जो है कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि आपको नॉर्मल सारे फीचर्स जो है इसके वो बता दिया गया है, एंड देन इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छी है। मुझे इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी जो एक्सेसरीज़ वगैरह है उसे स्टोर करने में जो कबर्ड में अरेंजमेंट के काम आ जाते हैं तो मुझे बहुत पसंद है। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस ऑल्सो। और साथ में इसके जो आता है सबसे पहले जो आपका है वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल इसके साथ मिलता है। तो इसके साथ इस तरीके के लाइक पैम्फलेट जैसा आप कह सकते हो या ब्रोशर कह सकते हो, जिसमें कि आपको जितने भी इनके पास रेंजेस अवेलेबल है इस तरीके से आपको मिल जाता है। इसके काफ़ी ह्यूज जो है इन लोगों ने रेंज बना रखा है ऑलरेडी, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने इसमें से जो है वो ये वाला जो वर्जन है ये चूज़ किया है। लाइक मेरे जो घर में सबने मुझे मना किया था कि ये बहुत बल्की लुक दे रहा है, बहुत ह्यूज है, इसे मत लो, बट देन ऑल्सो मैंने परचेज़ किया। मेरे हस्बैंड के पास इस तरीके का है, लाइक उनके पास एप्पल का फ़ोन है तो उनके पास इसी तरीके का नॉइस का जो आता है नॉर्मल इस तरीके के बटन्स टाइप का है। तो बट मैंने उनसे कुछ दिन के लिए मांगा था यूज़ करने के लिए, बट एक्सरसाइज के ड्यूरेशन ये मेरे कान में फिट जो है वो नहीं बैठ रहा था और बार बार गिर जा रहा था, इसीलिए मैं ऐसे अच्छी फिटिंग वाला जो है वो ढूंढ रही थी, जो हार्डकोर एक्सरसाइज करो या वॉकिंग करो या जॉगिंग करो तो बिल्कुल भी ना गुम हो जाए। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहोगे कि इस तरीके की कोई चीज़ आप पहन करके जाओ एंड देन पार्क में या जॉगिंग एरिया या कहीं पर भी आपका गुम हो जाए और वो आपको एकदम अनट्रेसेबल हो जाए। तो मैं इस तरीके का ईयर फिट वाला मुझे चाहिए था, जो मैंने परचेज़ किया है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। नो डाउट कि ये बहुत ज़्यादा बल्की लुक मुझे दे देता है, बट आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। एंड ये अंदर रख देते हैं। इसके साथ ये जो है यूज़र मैनुअल दिया है, जिसमें कि नॉर्मल इसे कैसे यूज़ करना है, कितना इसका बैटरी बैकअप देगा एंड ऑल, वो सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। आप इसके लिए जो है बहुत निकली जो एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों के जो लाइक चैनल में आप देख के रिव्यू देख सकते हो। तो उसके बाद जो है हमारे पास बाकी का देखें तो इस तरीके का अंदर लाइक इसके साथ जो चार्जिंग केस वाला बॉक्स है ये आता है, एंड देन ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसका साइज़ जो है आप देख सकते हो क्वाइट ह्यूज है, मेरे फुल पाम में ये आ रहा है। बट वी ऑलवेज कैरी हैंड बैग विथ अस, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। और ये चार्जिंग केस वाला जो है सिस्टम ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक ईयरफोन्स आपने एक बार चार्ज कर लिया है फुल्ली तो आप 2 बार और इसमें से जो है वो चार्ज कर सकते हो। और इसके अगर बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो क्वाइट ह्यूज सा आपको इस तरीके का लाइक ईयरफोन्स मिलने वाला है। तो ये वाला जो ईयरफोन है ना मुझे ट्रेडिशनल वो जो आज से 10-12 साल पहले हम यूज़ करते थे ना वन सिंगल जो ईयर में कुछ उसकी याद दिलाता है, बट ये मेरा पर्पस सॉल्व करता है इसलिए मैं हैप्पी हूँ।
आप चाहो तो इसे सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ब्लूटूथ में ऑन एंड ऑफ का जो प्रोविज़न है वो दिया हुआ है। एंड ये वाला जो है मुझे ईयरफोन्स इसलिए अच्छे लगे क्योंकि इसका जो ये वाला जो पार्ट है मेरे ईयर्स के पीछे लाइक इतने अच्छे से फिटिंग दे देता है कि कहीं पर भी गिरने का या गुम होने के कोई चांसेस ही नहीं है। इसको मैंने दो दिन जो है वो यूज़ कर लिया है एंड देन उसके बाद मैं कह रही हूँ हार्डकोर एक्सरसाइज करो या फिर आप कहीं पर भी जॉगिंग करो, कुछ भी करो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आप नहाने भी चले जाओ ना तो भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी है। ये बहुत ही अच्छा है, ये ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है। साथ इसकी एक्सेसरी जो है उसके नेक्स्ट पैकेजिंग में मुझे मिली वो जो कुछ इस तरीके की है, अगेन कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर हमें मिलता है इसके साथ का ये वाला जो चार्जिंग केबल है ये। टू बी फ्रैंक ये मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि जो नॉर्मल हम सैमसंग के या नॉर्मल कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं उसके ही चार्जर से मैं आराम से अपना चार्ज कर सकती हूँ। देन उसके बाद मुझको मिलता है ये वाला ईयरबड्स इसके साथ एक जो दो उसमें लगे हुए हैं एंड देन आपके पास टोटल 3 सेट्स होते हैं। मगर आइडियली देखा जाए ना तो आप अपनी फिटिंग के साइज़ के हिसाब का आप यूज़ कर लेते हो। एक बहुत स्मॉल होता है, एक मीडियम होता है एंड देन एक लार्ज साइज़ होता है। तो आप एक जो यूज़ कर लेते हो आपको वही ईयरफोन्स के साथ जो बड्स है आपके कान को फिटिंग देता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको वो गुम हो गया या कुछ और हो गया तो आपको मार्केट से ही परचेज करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि आप ये वाला जो है यूज़ कर लो तो वो नहीं हो सकता। ये तो हो गई आपकी जो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या सामान मिला, किस तरीके का सामान मिला, कैसा डिज़ाइन था ये। अगर इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन बता देती हूँ क्योंकि कॉन जानने के बाद भी अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो बुराई है वो बता देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका कॉन है, मुझे लगा कि इसकी जो कॉलिंग फीचर है इसका अच्छा नहीं है। अगर आप सामने वाले को कॉल करते हो तो आपको उसकी जो स्पीच की क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियरली आपको मिल जाएगी, क्वाइट ऑडिबल है। आपको जो सामने वाला जो आपका पर्सन है जो आपकी बात सुन रहा है उसको बहुत मुश्किल से आपकी जो स्पीच है वो सुनाई देगी, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस है। ऑफकोर्स आप अगर ईयरबड्स पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपको उसका जो कॉलिंग फीचर हो वो अच्छा हो, क्वाइट ऑडिबल हो, आवाज़ उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एंड देन आपका जो अगर गेमर है, अगर आपको गेम खेलना है तो भी ये जो ईयरबड्स है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये इसमें जो है आपको जो है गेम में जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको बहुत बाद में सुनाई पड़ने वाली है इस ईयरफोन्स के थ्रू। तो जो गेमर है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने जो है वो इसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए परचेज़ किया क्योंकि मुझे एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में या फिर मुझे वॉकिंग करने के लिए जाना हो या घर के कोई काम करने हो तो मुझे म्यूज़िक एंड स्टोरी का बड़ा शौक़ है और मैं नहीं चाहती कि मैं पूरे घर वालों को डिस्टर्ब करूँ। तो ये मुझे बजट फ्रेंडली लगा और बहुत जो मेरा पर्पस उसे सॉल्व करता था, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया। अगर जो है आप अंदर 2000 जो है ईयरबड्स ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू क्योंकि आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। जो मैंने जब इसे परचेज़ किया था, मेरी सिस्टर ने जब परचेज़ किया था, ये 1999 का था एंड जब मुझे ये रिसीव हुआ तो 1499 का ये अवेलेबल था। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ करा है। मैं जो एक्सेसरी जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ करूँ। तो अगर आप ओवरऑल इसकी रेटिंग की बात करोगे तो मैं इसको जो है 6 out of 10 दूंगी, बट स्टिल मेरे लिए ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं। तो ओवरऑल जो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ओवरऑल मैंने इसको दिया है रेटिंग 7 out of 10 क्योंकि ये मेरा जो पर्पस है उसे सॉल्व कर रहा है। कॉलिंग फीचर और गेमिंग फीचर, गेम्स में जो है मोबाइल में बिल्कुल नहीं खेलती, मुझे उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। और अगर आपको सिर्फ म्यूज़िक और मूवी लवर हो, वीडियोस देखना पसंद करते हो, स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो गो फॉर इट, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बिलो 2000 जो है ईयरबड्स ढूंढ रहे हो और ट्रेडिशनल जो वायर्ड वाले ईयरफोन्स है उसे परेशान हो गए हो तो गिव इट अ ट्राई। ये बहुत ही मुझे अच्छे लगे, इसका जो बास है म्यूज़िक जो लवर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो प्रोफेशनल हैं उनको नहीं पसंद आएगा क्योंकि जो लास्ट टाइम मेरे पास ईयरफोन्स थे उससे जो है वॉइस जो इसकी म्यूज़िक क्वालिटी है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट फिर भी क्वाइट बेटर है, अच्छा है, इसका बास भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मुझे किस
क्या और एक्सपीरियंसेस हुए, मैं कुछ इस वीडियो के थ्रू बताना भूल गई हूँ तो वो भी मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। तो या अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा, मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। और चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।